नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम 2 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर करेंगे और इसी के साथ डेली करंट अफेयर रिवीजन 2022 की ये हमारी क्लास सेकंड है। क्लास फर्स्ट कल अपलोड हो गई है, आज क्लास सेकंड है। और जो पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। इन तीनों वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। अब ये आज के डिस्कशन का पहला क्वेश्चन है। लक्ष्मी सिंह किस राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करते हैं दूसरे ऑप्शनों की। हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में यहाँ पर पहली बार मॉन्क फ्रूट की खेती स्टार्ट की गई, ये आप याद रखेगा। उड़ीसा की सरकार ने आशीर्वाद योजना इसको स्टार्ट किया और उड़ीसा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ मगरमच्छों की तीनों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार ने बाजरा मिशन इसको स्टार्ट किया। अब बात उत्तर प्रदेश की हुई है तो उत्तर प्रदेश का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर कर लेते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अगस्त 2021 में गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए 30 दिवसीय विशेष अभियान चलाया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मातृभूमि योजना शुरू की। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अक्टूबर 2021 को कंगना रनौत को अपना महत्वाकांक्षी एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया। अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम शुरू किया गया। हुनर हाट का आयोजन 16 से 25 अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश में किया गया। नवंबर 2021 में झांसी में 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखी। उत्तर प्रदेश सरकार ने आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना शुरू की। उत्तर प्रदेश सरकार ने ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया। एक काम करते हैं, उत्तर प्रदेश का और करंट अफेयर कवर करते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय वाराणसी के कमच्छा में बनाया गया। गुड़ महोत्सव का उद्घाटन 6 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश में किया गया। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले में केले महोत्सव का आयोजन किया। भारतीय वायुसेना ने आगरा में संयुक्त अभ्यास समन्वय 2022 का आयोजन किया। अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना का संबंध उत्तर प्रदेश से है। ई पंचायत पुरस्कार 2021 का अवार्ड उत्तर प्रदेश को दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने राज्य की सभी पंचायतों में एक पंचायत सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश की सरकार राज्य में पहला हस्तशिल्प पार्क बनाने की प्रक्रिया में है। अब उत्तर प्रदेश की लोकेशन देखिए आप, ये लोकेशन है। नेपाल देश के साथ उत्तर प्रदेश की इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन उत्तर प्रदेश की। लखनऊ कैपिटल है, 24 जनवरी 1950 में फॉर्मेशन हुई थी। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं। इलाहाबाद में इसकी हाई कोर्ट है जिसका नाम चेंज कर दिया गया है प्रयागराज, और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है राजेश बिंदल। 75 जिले हैं, लोकसभा की 80 सीट, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403, विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ये सभी सीटें दूसरे राज्य के कंपेरिजन में उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम हैं। दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व दोनों यूपी में हैं। भारत के अंदर उत्तर प्रदेश की जो बाउंड्री शेयर होती है, उत्तराखंड, दिल्ली जो कि यूटी है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। तो ये तो बात करी हमने उत्तर प्रदेश के बारे में। अभी दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने निजात अभियान को ICAP 2022 पुरस्कार मिला है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन छत्तीसगढ़ सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो महाराष्ट्र सरकार ने ना जेल पर्यटन इसको स्टार्ट किया था। उत्तराखंड की बात करें, भारत का पहला इसनो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर उत्तरकाशी में बनेगा नीदरलैंड की सहायता से। और उत्तराखंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य बन गया जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप इसको लॉन्च किया था, मतलब ये स्टार्ट किया था। मध्य प्रदेश की सरकार ने अंकुर योजना इसको स्टार्ट किया। अब बात छत्तीसगढ़ की हुई है तो ये रहा छत्तीसगढ़ का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगस्त 2021 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने राज्य में 4 नए जिलों और 18 नई तहसीलों की घोषणा की थी। मेहतारी दुलार योजना ये छत्तीसगढ़ सरकार ने स्टार्ट की। राजीव गांधी किसान न्याय योजना को स्टार्ट किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया। गुरु घासीदास
राष्ट्रीय उद्यान बनेगा देश का 53वां टाइगर रिजर्व, और ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, अभी बन गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कौशल मातृत्व योजना शुरू की, ये 6th पॉइंट एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहेगा। छत्तीसगढ़ ने राज्य में चाय और कॉफ़ी की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 20 अक्टूबर 2021 को श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर का शुभारंभ किया। मई 2022 में छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की, ये 9th पॉइंट भी एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा। अभी छत्तीसगढ़ की लोकेशन है, ये देखिए आप। आसपास के राज्यों की बात करें तो तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, इन राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ की बाउंड्री शेयर होती है, और आंध्र प्रदेश भी आप याद रखेगा। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री, अनुसुईया यूके राज्यपाल हैं। रायपुर में इसकी हाईकोर्ट है, मतलब रायपुर इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 2000 में फॉर्मेशन हुई थी। 28 जिले हैं और 4 नए जिले और बना दिए गए हैं। 11 लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं, विधानसभा की 91 सीटें हैं। बात करें अगर हम हाईकोर्ट की, तो देखो बिलासपुर में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अरूप कुमार गोस्वामी। नेशनल पार्क और सेंचुरी की बात करें, अचानक अमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इंद्रावती नेशनल पार्क दोनों काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये बात करी हमने छत्तीसगढ़ के बारे में। थर्ड क्वेश्चन, किस देश में एक नया ब्रिटिश भारतीय सेना स्मारक बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा स्कॉटलैंड में, बी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर स्कॉटलैंड, एडिनबर्ग कैपिटल है, पाउंड स्टर्लिंग करेंसी है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी है, करेंसी यूरो है, प्रेसिडेंट है सौली निनिस्टो। फिनलैंड को ही झीलों का देश भी कहा जाता है। इसराइल की बात करें, जेरूसलम कैपिटल है, प्रेसिडेंट है इशाक हर्जोग। मोरक्को की जो कैपिटल है यह है रबत, और मोरक्कन दिरहम ये क्या है, करेंसी है, प्रधानमंत्री है अजीज अखनौज। तो बी ऑप्शन स्कॉटलैंड थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन, आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन बना? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ये बना है तमिलनाडु, सी ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर है तमिलनाडु। मेघालय में 3 हिल्स हैं, गारो, खासी और जयंतिया, तीनों हिल्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने सोल्ट प्रोग्राम इसको स्टार्ट किया, और तमिलनाडु बनेगा भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्वतधारा योजना इसको स्टार्ट किया, सी ऑप्शन तमिलनाडु। फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर है, ये तमिलनाडु की लोकेशन है, ये देखिए आप, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तीन राज्यों के साथ तमिलनाडु की जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है तमिलनाडु की। चेन्नई कैपिटल है, 26 जनवरी 1950 में फॉर्मेशन हुई थी। एम के स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, आर एन रवि राज्यपाल हैं। चेन्नई में इसकी हाईकोर्ट है, जिसे मद्रास हाईकोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। टी राजा यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। 38 जिले हैं, लोकसभा की 39 सीट, राज्यसभा की 18, विधानसभा की 234 सीटें हैं। लेक की बात करते हैं, पुलिकट लेक ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु दोनों के बॉर्डर पे है, ये आप याद रखेगा। कोलावाई लेक, अम्बातूर लेक, कोडाईकनाल लेक और सिंगनल्लूर लेक। नेशनल पार्क की बात करें, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, अनामलाई टाइगर रिजर्व, मधुमलाई नेशनल पार्क, मुखर्ती नेशनल पार्क, कलक्कड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गुंडी नेशनल पार्क। तो ये बात करी हमने तमिलनाडु के बारे में। फिफ्थ क्वेश्चन, किसको सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? ये संभाला है सुजोय लाल थाउसेन ने। तो बी ऑप्शन जो है ये फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन, कोनेरू हम्पी का संबंध किस क्षेत्र से है? इनका संबंध है चेस से, यानी शतरंज, बी ऑप्शन। ये सिक्स्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। सेवन्थ क्वेश्चन, किस राज्य ने भारत की पहली नीलगिरी थार परियोजना शुरू की है? तो ये की है किसने? तमिलनाडु सरकार ने, डी ऑप्शन जो है तमिलनाडु इस क्वेश्चन का सही आंसर है। गुजरात की सरकार ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन इसको स्टार्ट किया। राजस्थान की सरकार ने चिरंजीवी योजना इसको स्टार्ट किया। तो डी ऑप्शन तमिलनाडु सेवन्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये डेली करंट अफेयर रिवीजन 2022 की क्लास सेकंड है, क्लास फर्स्ट कल हमारी अपलोड हो गई है, कल वाले डिस्कशन के एंड में ही। फर्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम एम्लन को किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो उड़ीसा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, सूर्य कुमार यादव किस राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का उत्तराखंड। थर्ड क्वेश्चन, मोना लोआउ ज्वालामुखी में लगभग 39 साल बाद विस्फोट हुआ, यह किस देश में है? यह अमेरिका में है। चौथा क्वेश्चन, भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास जिसका नाम है शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये किया गया कहाँ पर? राजस्थान में। फिफ्थ क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 27 नवंबर 2022 को
राजगीर में हर घर गंगा जल परियोजना का शुभारंभ किया। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिहार। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।